ये चाटा आहार का दो कट्टा और आज का शनिवार का प्रसाद बहन ममता जी नगर तिरुपति आंध्र प्रदेश से भेजा है। शनिवार के दिन श्री बागेश्वर बालाजी महाराज सन्यासी बाबा की कृपा बहन ममता जी के परिवार पर बनी रहे। यात्री बोल रही है, पैदल यात्री है, पैदल यात्री है, पैदल यात्री है। नमस्कार मेरे YouTube परिवार, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मुरली मनोहर की कृपा से चल रही साधु जर्नी पर। और मैं जो है धाम पर आने के बाद सबसे पहला कार्य जो है गायों को चाटा आटा आहार देना, और आज शनिवार है तो श्री बागेश्वर बालाजी धाम पर भी श्रद्धालु आए हुए हैं, आप देख रहे हैं। बुखार चढ़ गई तो काल मेहनत बड़ी करी थे तो ठंडे पानी क्यों ना आयो। गाड़ी में अभी मैं 6 कट्टा लेकर के आया हूँ। तो 6 कट्टे अभी उतार लिए। देखो इस तरह से ये सामान ये स्टोर रूम में एक साइड, और यहाँ पर जो है ये चाय के लिए चौका चूल्हा दूसरी साइड। Thank you.
जाओ तो मेरे YouTube परिवार, यहाँ जो है लगातार 5-6 दिन से बारिश हो रही है और छोटे से लेकर बड़े तक, बड़े से लेकर बुजुर्ग तक, माँ बहन बेटी से लेकर सभी के चेहरे खिले हुए हैं, सभी खुश हैं।
और खुश होने का कारण यही है कि यहाँ पर पशुपालन और खेती के अलावा ये जो आप एरिया देख रहे हैं आसपास का, इसके अलावा आमदनी का और कोई स्रोत नहीं है, आय कोई नहीं है, खेती पर ही निर्भर है, पशुपालन पर ही निर्भर है। तो जो ही मतलब है इस एरिया में ये ज़बरदस्त बारिश हुई है, कल शाम को तो ऐसे मानो बहुत ही मूसलाधार बारिश हुई है यहाँ पर। यहाँ बालाजी किया कराई चौकी कराई बरसात है। और बरसात की वजह आपने धन पशु खेत सारा ही मतलब सब बढ़िया बढ़िया हो गया। मैं तो उदास बैठा, बरसात हो गई, मैं तो खुशी हो गया। खुश हो गया नी? तो माता जी देखो नाम सुन से खुशी है, मैं तो नाम सुने की खुशियाँ। नहीं नहीं, बालाजी के धाम आगे तो खुश हो ही हो। देखो ये माता जी है जो बालाजी के धाम पर है, जो है हर शनिवार और मंगलवार भजन करने के लिए आती हैं, और मुझे जो है शुभकामना दे करके जाती हैं, गाय चराने के लिए मुझे आशीर्वाद देने दे करके जाती हैं। ये अपनी इच्छा से बालाजी के धाम पर आते हैं और यहाँ पर जो है भजन भाव करके प्रसाद पा करके और जोत फेर करके और जोत की फेरी जो है उसमें भाग ले करके अपने अपने घर जाते हैं, गंतव्य स्थान पर जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ मेरे YouTube परिवार के भाई बहन जो है बार बार कहते हैं, लिखते हैं, कुछ लिखते हैं, सभी नहीं कुछ लिखते हैं कि इसने यहाँ पर ये एक और नई लूट चालू कर दी है। तो यहाँ लूटने वाली कोई चीज़ नहीं है, किसी को नहीं लूटा जा रहा है। आप प्रत्येक सदस्य से जितने भी यहाँ पर आते हैं उनसे मिल कर के बात कर सकते हैं। जो है ये मेन स्टेट हाईवे है लूणकर्ण सर से सरदार सर, तो इस पर आने जाने वाले भी यात्री भी यहाँ पर रुकने लगेंगे, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा जितना रोल है वो यही है, सागर में बूंद के समान, महासागर में, यानी महासागर में बूंद के समान हूँ मैं। बहन उषा जी एंड जसवीर जी गोलेन, नगर कुरुक्षेत्र हरियाणा, हाल स्पेन से 501 रुपया। बहन ममता जी नगर तिरुपति आंध्र प्रदेश से 3100 रुपया। नान जी नारायण जी गोंडालिया नगर लंदन ब्रिटेन से 111 रुपया। बहन अनु प्रशांत जी मिश्रा नगर बहेंद्र मुंबई से 1100 रुपया। विनोद जी गोस्वामी पत्रकार गाँव टिब्बी हनुमानगढ़ से 101 रुपया। बिमला जी स्वामी नगर एलनाबाद हरियाणा से 1100 रुपया। देवा जी अशोक जी स्वामी गांव रामपुरा जिला सिरसा हरियाणा से 200 रुपया। पूज्जा विक्रांत जी स्वामी नगर अभोर पंजाब से 1100 रुपया। बहन कविता जी नगर गुड़गांव हरियाणा से 1000 रुपया। भूराराम जी सुथार गांव मोखाब कलाम बाड़मेर से 101 रुपया। मूलाराम उमाराम जी भाटी गांव वरकाना जिला पाली से 121 रुपया। एक गो माता भक्त हरिभक्त नगर मुंबई महाराष्ट्र से 501 रुपया। कोमल जी राजपुरोहित नगर सोजत जिला पाली से 251 रुपया। मुनिराम जी प्रजापत गांव बाड़सर बिदासर चूरू से 108 रुपया। दिनेश जी गोदारा गांव राशीसर नोखा बीकानेर से 100 रुपया। बहन ज्योति शेखावत गांव चौरा जिला झुंझुनू से 500 रुपया। मनोज कुमार बेटी हर्षिता जाखड़ गांव रीढ़ी श्री डूंगरगढ़ बीकानेर से 10000 रुपया।
गिरधारी सिंह जी राठौड़ नगर सिक्कर राजस्थान से 501 रुपया, विनोद कुमार जी गढ़वाल नगर सिक्कर राजस्थान से 111 रुपया, बहन भागीरथी जी एंड पद्माराम जी ओझा नगर मुंबई महाराष्ट्र से 501 रुपया, एक गौ माता भक्त राजू जी नगर मजाऊ झुंझुनू से 101 रुपया और बैरूलाल जी गुज्जर नगर उदयपुर राजस्थान से 301 रुपया। दिल से आभार मेरे YouTube परिवार। अगर आप साधु जर्नी चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत में गाय एवं गरीब सेवा साधु जर्नी ट्रस्ट का QR कोड दे रहा हूं, उसी पर धनराशि भेजने के बाद आप मेरे WhatsApp नंबर 7976918580 पर स्क्रीनशॉट्स अवश्य ही भेजें ताकि मैं पूरा हिसाब किताब रख सकूँ। धन्यवाद।